हाय एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 10 ऑफ क्लास 6 मेंशुरेशन। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट देख लेंगे। मेंशुरेशन में बेसिकली आपको पेरीमीटर और एरिया ही फाइंड आउट करना है। तो हम ये देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर आपके पास कोई भी, सपोज कोई भी आपके पास क्लोज फिगर है, तो पेरीमीटर अगर आप यहाँ से शुरू करते हो और अगर आप ये पूरा डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब पूरी बाउंड्री को अगर आप कवर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस क्लोज फिगर। या हम बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आपके पास ये कोई क्लोज फिगर है तो इसमें इस साइड का सम प्लस इस साइड का सम प्लस इस साइड का सम, ये होगा इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। अगर आपके पास कोई रेगुलर क्लोज फिगर है, इफ़ यू हैव रेगुलर क्लोज फिगर, तब आपके, अगर आपके पास कोई भी रेगुलर क्लोज फिगर है, सपोज आपके पास हेक्सागोनल है, ये आपके पास एक हेक्सागोन है, तब आपका इसका जो पेरीमीटर होगा, तब आप किसी भी एक साइड की लेंथ को नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको इस रेगुलर क्लोज फिगर का पेरीमीटर मिल जाएगा। इसमें नंबर ऑफ साइड्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 6 मल्टीप्लाई बाय, सपोज इसकी वन साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। सो 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, और पेरीमीटर हमें निकालना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारा रेगुलर हेक्सागोन का पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ हमारा जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का, वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आपको लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तब आप इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आपको स्क्वायर दिया है, स्क्वायर एक रेगुलर क्लोज फिगर होता है क्योंकि उसकी सारी साइड की लेंथ सेम होती है, तब आप स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे 4, मतलब नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। अगर इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, या 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब लेंथ ऑफ वन साइड, ये पेरीमीटर होता है एक स्क्वायर का। नाउ अगर आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, अगर ट्रायंगल आपका रेगुलर है, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें 3 साइड्स हैं, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 साइड की लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब रेगुलर क्लोज फिगर है, तब इसका पेरीमीटर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड विच इज़ 4। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, मतलब अगर इसकी ऑल साइड इक्वल नहीं है, तीनों साइड अगर इसकी अलग अलग है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तब इसका पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब पेरीमीटर होगा 4 प्लस 5 प्लस 6 सेंटीमीटर। नाउ हमने सारे ही क्लोज फिगर के पेरीमीटर देख लिए कैसे फाइंड आउट करना है, अब हम एरिया देखेंगे। तो अगर आपके पास रेक्टेंगल है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है आपको, तब इस रेक्टेंगल ABCD का एरिया होगा, इसका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और अगर आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है, अगर आपके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या आप बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर, और आप उसको बोल सकते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर ये स्क्वायर है ABCD और अगर इसकी वन साइड की लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4, और ये सेंटीमीटर भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना हमने ये देखा था कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब पूरे बाउंड्री का मेजरमेंट, और एरिया क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी क्लोज फिगर है तो उसके अंदर का जो रीजन होता है, मीन्स दिस रीजन एनक्लोज बाय दिस क्लोज फिगर, तो ये जो अंदर का रीजन होता है इसको हम बोलते हैं एरिया।
तो इस चैप्टर में मेंशुरेशन में हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज।